सनी देओल की पहली मूवी बेताब है, जो कि 1983 में रिलीज हुई और यह सुपरहिट रही। फिर इसके बाद सन 1984 में आई मूवी सनी और यह मूवी फ्लॉप रही। फिर उसी सन में आई मूवी सोनी महिवाल और यह भी फ्लॉप रही। फिर इसके बाद सन 1985 में आई मूवी अर्जुन, जो कि हिट रही। फिर इसी सन में आई मूवी जबरदस्त, जो कि फ्लॉप रही। फिर इसके बाद सन 1986 में आई मूवी सवेरे वाली गाड़ी और यह डिजास्टर रही। फिर इसके बाद उसी सन में आई मूवी सल्तनत और यह फ्लॉप रही। फिर इसके बाद उसी सन में आई मूवी समुद्र और यह भी फ्लॉप रही। फिर इसके बाद सन 1987 में आई मूवी डकैत और यह हिट रही। फिर इसके बाद सन 1988 में आई मूवी राम अवतार और यह भी हिट रही। फिर उसी सन में आई मूवी इंतकाम और यह मूवी फ्लॉप रही। फिर उसी सन में आई मूवी पाप की दुनिया और यह हिट रही। फिर इसके बाद सन 1989 में आई मूवी वर्दी और यह सेमी हिट रही। फिर उसी सन में आई मूवी त्रिदेव, जो कि सुपर हिट रही। फिर उसी सन में आई मूवी निगाहें पार्ट 2 और यह मूवी एवरेज रही। फिर इसके बाद सन 1990 में आई मूवी क्रोध और यह एवरेज रही। फिर उसी सन में आई मूवी घायल, जो कि सुपर हिट रही। फिर इसके बाद सन 1991 में आई मूवी विष्णु देवा और यह एवरेज रही। फिर उसी सन में आई मूवी नरसिम्हा और यह एवरेज रही। फिर इसके बाद सन 1992 में आई मूवी विश्वकर्मा और यह एवरेज रही। फिर इसके बाद सन 1993 में आई मूवी छत्री और यह फ्लॉप रही। फिर उसी सन में आई मूवी लुटेरे और यह एवरेज रही। फिर उसी सन में आई मूवी दामिनी और यह भी एवरेज रही। फिर उसी सन में आई मूवी डर और यह सुपर हिट रही। फिर इसके बाद सन 1994 में आई मूवी इंसानियत और यह फ्लॉप रही। फिर उसी सन में आई मूवी इम्तहान और यह एवरेज रही। फिर इसके बाद सन 1995 में आई मूवी अंगरक्षक और यह फ्लॉप रही। फिर उसी सन में आई मूवी दुश्मनी, जो कि फ्लॉप रही। फिर इसके बाद सन 1996 में आई मूवी हिम्मत और यह एवरेज रही। फिर उसी सन में आई मूवी जीत, जो कि हिट रही। फिर उसी सन में आई मूवी घातक और यह भी हिट रही। फिर इसके बाद सन 1997 में आई मूवी जिद्दी, जो कि हिट रही। फिर उसी सन में आई मूवी बॉर्डर और यह ब्लॉकबस्टर रही। फिर उसी सन में आई मूवी कहर और यह एवरेज रही। फिर इसके बाद सन 1998 में आई मूवी जोर और यह फ्लॉप रही। फिर उसी सन में आई मूवी सलाखें और यह एवरेज रही। फिर इसके बाद सन 1999 में आई मूवी योद्धा अर्जुन पंडित और यह एवरेज रही। फिर उसी सन में आई मूवी दिल्लगी और यह फ्लॉप रही। फिर इसके बाद सन 2000 में आई मूवी चैंपियन और यह फ्लॉप रही। फिर इसके बाद सन 2001 में आई मूवी गदर एक प्रेम कथा और यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। फिर उसी सन में आई मूवी इंडियन और यह भी हिट रही। फिर इसके बाद सन 2002 में आई मूवी माँ तुझे सलाम और यह एवरेज रही। फिर उसी सन में आई मूवी 23 मार्च सन 1931 शहीद, जो कि फ्लॉप रही। फिर इसके बाद सन 2023 में आई मूवी द हीरो और यह एवरेज रही। फिर इसके बाद उसी सन में आई मूवी जाल, जो कि फ्लॉप रही। फिर इसके बाद उसी सन में आई मूवी खेल और यह भी फ्लॉप रही। फिर इसके बाद सन 2004 में आई मूवी लकीर, जो कि फ्लॉप रही। फिर उसी सन में आई मूवी रोक सको तो रोक लो और यह भी फ्लॉप रही। फिर सन 2005 में आई मूवी जो बोले सो निहाल और यह भी फ्लॉप रही। फिर इसके बाद सन 2006 में आई मूवी तीसरी आँख और यह भी फ्लॉप रही। फिर इसके बाद सन 2007 में आई मूवी अपने, जो कि एवरेज रही। फिर उसी सन में आई मूवी फुल एंड फाइन और यह फ्लॉप रही। फिर सन 2010 में आई मूवी खुदा कसम और यह फ्लॉप रही। फिर उसी सन में आई मूवी राइट या रॉन्ग, जो कि फ्लॉप रही। फिर इसके बाद सन 2011 में आई मूवी यमला पगला दीवाना, जो कि सुपरहिट रहा। फिर इसके बाद सन 2013 में आई मूवी यमला पगला दीवाना 2, जो कि एवरेज रही। फिर इसके बाद उसी सन में आई मूवी सिंह साहब द ग्रेट और यह मूवी फ्लॉप रही। फिर इसके बाद सन 2015 में आई मूवी
आई लव न्यू ईयर और यह फ्लॉप रही। फिर सन 2016 में आई मूवी घायल वंश अगेन और यह भी फ्लॉप रही।